नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। लोकसभा में नेता विपक्ष द्वारा हिंदू समाज पर अशोक ने टिप्पणी करने से आक्रोशित महाराणा प्रताप सेना ने आजमगढ़ डीएम कार्यालय के बाहर राहुल गांधी का प्रतीकात्मक पुतला दहन किया। इस दौरान सेना द्वारा मांग किया गया कि पूरे विश्व में रहने वाले हिंदू समाज से राहुल गांधी नाक रगड़कर माफी मांगे और अपनी जाति का प्रमाण पत्र दे। पुतला दहन का नेतृत्व कर रहे महाराणा प्रताप सेना के यूपी प्रभारी अनिल सिंह ने कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की सिर्फ 99 सीटें आई और कांग्रेस के टिकट पर कोई भी हिंदू आचार्य नहीं लड़ा। हिंदू हिंसक नहीं बल्कि धर्म व राष्ट्र का रक्षक होता है। भगवान शिव, श्री राम और श्याम सुंदर ने दैत्यों का वध किया था। हिंदू तब युद्ध करता है जब रावण माँ सीता का हरण करता है। मंदिर की रक्षा के लिए हिंदू हिंसक होता है। अगर हिंदू हिंसा करता है तो पूरी दुनिया में उसका ही साम्राज्य होता है। हिंदू को हिंसक कहने का मतलब जैन, सिख और बुद्ध धर्म के लोगों को भी हिंसक कहना। देश के बहुत तेरे हिंदुओं ने आपको वोट दिया होगा, मतलब वो लोग भी हिंसक हैं। संसद में हिंदू धर्म पर ऐसी टिप्पणी कतई बर्दाश्त नहीं है। राहुल गांधी ने हिंदुओं का अपमान किया है। महाराणा प्रताप सेना के प्रमुख विजेंद्र सिंह ने कहा कि राहुल गांधी ने पूरे हिंदू समाज को हिंसक और असत्यवादी कहकर संपूर्ण विश्व के हिंदू समाज का अपमान किया है और ये पहली बार नहीं है। देखा जाए तो 2010 में तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदंबरम ने हिंदुओं को आतंकवादी कहा था। आज मोहब्बत की दुकान चलाने वाले राहुल गांधी द्वारा हिंदुओं को हिंसक और झूठा कहना, संसदीय बहस के दौरान भगवान की तस्वीरें लगाना, इसमें राजनीति जोड़ना, इस स्तर की बहस किसी भी तरह से विपक्ष के नेता को शोभा नहीं देती। ये कांग्रेस का असली दोगला चरित्र है। इस अवसर पर शिवम सिंह, दिनेश सिंह, गोविंद सिंह, अंकित पांडे, पवन चौहान, अशोक यादव, दीनानाथ सिंह, मिथिलेश सिंह, विमल राय, दिनेश खंडेलिया, संजय सिंह एडवोकेट, अजय सिंह, राजेश सिंह, विनोद यादव, उमाशंकर प्रजापति, बलवंत सिंह, अमित सिंह, शिवम सिंह, अच्युतानंद तिवारी, प्रवीण, जय सिंह, सुरेंद्र यादव, दुर्गा मिश्र आदि मौजूद रहे। न्यूज 9 भारत के लिए अमित खरवार की रिपोर्ट। अपना परिचय देते हुए आज किस? मैं अनिल कुमार सिंह, प्रदेश प्रभारी महाराणा प्रताप सेना, उत्तर प्रदेश भारत। क्या मामले के लिए आप लोग? कल राहुल गांधी ने लोकसभा में बयान दिया कि सभी हिंदू हिंसक होते हैं, जो कि सरासर गलत है और सनातन विरोधी है। सभी हिंदू हिंसक नहीं होते हैं, सभी हिंदू अहिंसा का पालन करते हैं, जीवों पर दया करते हैं। हमारे धर्म में कहीं हिंसा का स्थान नहीं है, इसलिए हम लोग जो है राहुल गांधी के झूठ बोलने पर, हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए, सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए जो कृत्य उन्होंने किया है, उसके विरोध में हम लोग राहुल गांधी का पुतला दहन किए। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं कि राहुल गांधी माफ़ी मांगें, हिंदू विरोधी मानसिकता छोड़ें। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।